बुरहानपुर जिले में एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां निम्बोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झिरपंजरिया में भगोरिया मेले में महिला के साथ छेड़छाड़ के बाद महिला ने निम्बोला थाने में इसकी शिकायत की है, जिसके बाद युवक ने महिला के घर पहुंचकर उसके भतीजे पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव में आई महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डॉक्टर की मेहनत से महिला के भतीजे को बचा लिया गया। बता दें कि चाकुओं के वार इतने घातक थे कि युवक के पेट की अंतड़ियाँ बाहर आ गईं, जिसके बाद घायल युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर दर्पण टोके ने युवक का इलाज शुरू किया। खास बात थी कि जिला अस्पताल में एनथेसिया का डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, किंतु दर्पण टोके ने अपने स्वयं के खर्चे पर एनेस्थीसिया के डॉक्टर को बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बचा लिया गया। वहीं पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है। छगन नाम का पेशेंट था, रात में उसको चाकू लगा था। 12 बजे वो रात में आया था गंभीर स्थिति में, उसकी आंतें बाहर आ गई थी, 4 या 5 जगह से फटी हुई थी और पेशेंट रिफ़र करने की स्थिति में नहीं था। अभी रात में ऑपरेशन किया गया और अभी पेशेंट स्टेबल है और स्थिति बहुत अच्छी है उसकी। डॉक्टर निकिता देवरे सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर अवेलेबल हो गई और उन्होंने रात में सर्जरी करवाई। इसमें कुछ सेवा भी की है आपने, मतलब कुछ एक्स्ट्रा आर्थिक सहायता भी करके इनको ऑपरेशन करवाया? नहीं, आर्थिक सहायता नहीं, जो मैडम का प्राइवेट से जब आते हैं तो उनका जो भी चार्जेस होते हैं वो उस समय उसके साथ में कोई था नहीं, तो मेरे द्वारा दिए गए। 8 बजे ग्राम झिरपंजरिया में गांव का रेम सिंह है, उसके घर पे रामदास ने घुस के चाकू से उसकी माँ को मारा था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई और छगन उसमें घायल है। कल दिन में इनकी रिपोर्ट हुई थी थाना निम्बोला पर छेड़छाड़ की, जो ये रिपोर्ट करके वापस घर गए थे उसी रंजिश को लेकर आज कल रात को वो उसके घर गया और चाकू मार दिया उसे।